दोस्तों, ये पूरी की पूरी दुनिया आज हमको जिस रूप में दिखाई दे रही है उसके पीछे केवल और केवल एक शख्स का हाथ है, और ये वो शख्स था जो मरने के बाद भी आज पूरी दुनिया के हर घर, मोहल्ले, गली, यहाँ तक कि हर व्यक्ति के भीतर रोशन हो रहा है। 17वीं शताब्दी में बेहद ही गरीब घर में पैदा होने वाले एक शख्स को कभी पता ही नहीं था कि इसका जन्म पूरी दुनिया बदलने के लिए हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे जानते हैं कि कौन था वो शख्स और कैसे बदल दिया उसने पूरी दुनिया को, और क्यों कहा गया उसे 21वीं सदी का भगवान। इनका जन्म करीब 150 साल पहले अमेरिका में रहने वाले एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। अमेरिका के ओहायो राज्य में जन्मा ये बालक इतना गरीब था कि केवल गरीबी के चलते स्कूल की पढ़ाई से वंचित रह गया था। बचपन में केवल स्कूल यूनिफॉर्म न होने के कारण उसको स्कूल से निकाल दिया गया, और बाद में उसकी माँ ने 6 साल तक घर पर ही इसको पढ़ाया। लेकिन कुदरत ने इस बालक को पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए था कि वो दुनिया को बदल सके, इसलिए गरीबी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। गरीबी ने केवल उसको स्कूल से बाहर निकाला, लेकिन इससे उसकी ज्ञान की भूख कम नहीं हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि यह शख्स बचपन से ही मंद बुद्धि कहा जाता था, और वो 4 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाया था, और उसके सुनने की शक्ति भी बहुत कम थी। ये शख्स अपने जीवन काल में केवल 30 माह एक सरकारी स्कूल में शिक्षा हासिल कर पाया, लेकिन 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक इसने ह्यूम, सियर, बर्टन तथा गिबन के महान ग्रंथों एवं डिक्शनरी ऑफ साइंसेस का अध्ययन कर डाला था। दोस्तों, मानव सभ्यता को यू टर्न देकर आधुनिकता में प्रवेश दिलाने वाले इस महान इंसान का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इस महान अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपने जीवन में करीब 9 ऐसे आविष्कार किए जिसके कारण आज हम इस आधुनिक दुनिया को देख पा रहे हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ। अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा आविष्कार को एडिसन ने पेटेंट करवाया, लेकिन दोस्तों एडिसन ने दुनिया को जो सबसे महान तोहफा दिया वो था बिजली के बल्ब का आविष्कार। 21 अक्टूबर 1879 को एडिसन ने लगभग 40 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली से जलने वाले निर्वात बल्ब पूरी दुनिया व मनुष्य सभ्यता को भेंट किया। एडिसन का यह आविष्कार सबसे महान आविष्कार कहा जाता है, और एक तरह से इसको करके एडिसन ने पूरी दुनिया को रोशनी भरी आंखें दे दी। दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि बिजली का बल्ब बनाते समय एडिसन तकरीबन 10,000 बार असफल हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 बार असफल होने पर आपने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने इस आविष्कार के दौरान 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो कि काम नहीं करते। 1870 से 1876 के बीच एडिसन ने ऐसे बहुत सारे आविष्कार किए, और उनमें से पहला ही आविष्कार 1869 ईस्वी को विद्युत मतदान गणक था, और इसके बाद एक ही तार पर 4-6 संदेश अलग अलग भेजने की विधि खोजी, स्टॉक एक्सचेंज के लिए तार छापने की स्वचालित मशीन को सुधारा तथा बेल टेलीफोन यंत्र का विकास किया। दोस्तों, संपूर्ण मानव जाति और सभ्यता को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले इस महान अमेरिकी वैज्ञानिक का पूरा जीवन एक दृढ़ संकल्प शक्ति और अथाह परिश्रम का प्रतीक था। एडिसन ने 18 अक्टूबर 1931 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के सबसे महान व्यक्ति में से एक, जिन्हें कहा जाता है 21वीं सदी का भगवान। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।